sharma started her career as a child actor most prominently playing childhood roles of katrina kaif's characters in barbaal Dekho and fitu she was found dead on a tv serial set tunisha and her co-star shizan khan were in a relationship and broke up 15 days ago her mother vanita alleged that shizan had promised to marry her but then broke up on mother's complaint shizan was arrested for abetment to suicide News agency ANI's police source said that Shizan shared that Tunisia had recently tried to commit suicide a few days before her death. Shizan also told the police that he broke up as he was so disturbed by the atmosphere in the country that emerged after the gruesome murder of Shraddha Valkar, who was also in an interfaith relationship. Now, a CCTV footage has emerged that shows Tunisia being carried by Shizan and two others to the hospital. In the end, the post mortem report specifies the cause of death as hanging. तो मैं मोहम्मद नईम शेख तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो छोटे पर्दे और बड़े पर्दे के एक्टर और एक्ट्रेस है जिनकी कदमों में ना सिर्फ शोहरत है बल्कि दौलत भी है इज्जत भी है रुतबा भी है दबदबा भी है तो क्या वजह है ये नामचीन हस्तियां जो अपनी तरक्की के उरूज में सुसाइड करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर रही है और हाल फिलहाल में तुनिशा शर्मा ने भी 24 दिसंबर 2022 को इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई हम इस मौजो पे जानने की कोशिश करेंगे सैयद मोई जफर साहब से कि क्या वजह है किस वजह से ये कम उम्र एक्टर और एक्ट्रेस सुसाइड करके इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर रहे हैं सैयद है साहब मेरे हाथ में ये लिस्ट है, जिसमें यह बताया गया है कि नामचीन छोटे और बड़े पर्दे के एक्टर और एक्ट्रेस ने सुसाइड करे खुदकुशी करे और हाल फिलहाल में तुनिशा शर्मा ने जो 4 जनवरी टू जीरो को पैदा हुई थी और 24 दिसंबर टू जीरो टू टू महेश इक्कीस साल की उम्र में सुसाइड करी आसिफ बासवा नवंबर 2020 में इन्होंने भी सुसाइड करे एज 53 थ्री ईयर्स समीर शर्मा 6 अगस्त 2020 को इन्होंने भी सुसाइड करे कुशाल पंजाब पंजाबी 27 दिसंबर 2019 महेश 42 इयर्स की एज में सुसाइड करे सौजनिया फर्स्ट अक्टूबर टू जीरो टू टू इसी साल सुसाइड मिस सेजल शर्मा ट्वेंटी फोर जनवरी सुसाइड मनमीत ग्रेवाल बत्तीस साल की उम्र में सुसाइड मिस प्रेक्षा मेहता ट्वेंटी सिक्स मे इसी साल टू जीरो टू टू सुसाइड पच्चीस साल की उम्र में और दिशा सेलियन एट जून ट्वेंटी ट्वेंटी को इन्होंने भी सुसाइड किए जो कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के पाँच दिन बाद इनकी सुसाइड होती है और इतफाकन ये अपने फैंसी के लवर के मलाड़ के फ्लैट में थे और फोर्टीन फ्लोर से गिर जाते हैं और इनकी जान चली जाती है सही है सब क्या वजह है इतनी कम उम्र में इतने रूज के दौर पे ये छोटे और बड़े पर्दे के एक्टर और एक्ट्रेस सुसाइड करके इस दुनिया फानी से हमेशा के लिए रुख्सत ले लेते हैं मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों भाई मेन रीज़न जो है सुसाइड का ये है क्या भाई कोई भी लेडीज़ बच्ची रहे बच्चा रहे यंगस्टर रहे या एजड रहे सबको जो है ना अपने को वो सोचना है कि भाई मेरे को ज़िंदगी काटने का है कैसा काटने का भाई पैसा तो आज आज निकल आने वाला है लेकिन अपनी ज़िंदगी सेहत को पहले देखने का हेल्थ इज़ वेल्थ आप हेल्थ को नहीं रखेंगे तो वेल्थ कहाँ से आएंगी अब वेल्थ के पीछे आप वेल्थ भागेगा तो और और तकलीफ़ में आएगा लिमिटेड काम करो लिमिटेड काम करेंगे पैसा मिलेगा पैसा कहीं जाएगा नहीं तकदीर का कोई ले नहीं सकता तकदीर कोई खा नहीं सकता वो आप काम करते रहेंगे तो क्या होगा आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे लेकिन अपने आप का खाने का ख्याल रखो पीने का ख्याल रखो अपने घर का ख्याल रखो अपने माँ बाप अपने माँ बाप से भी कोई राय मशवरा कर सकते हैं ऐसे कोई जरूरी नहीं है हाँ असल सोना जरूरी है सोएगा नहीं तो काम नहीं होएगा आठ घंटा मिनिमम सोना चाहिए आप 24 घंटा 48 घंटा आप 36 घंटे काम करते क्या हो क्या होगा ये माइंड में जो है ना जो वेंस होते हैं ना वो सूख जाते सूखने की वजह ही वही है कि भाई आपको जो सोने के लिए बोला तो सोने की जगह काम करें अरे भाई अगर अगर सुख सु, कमा के लाख कमाएंगे अगर आप आपको पीस ऑफ आप माइंड नहीं रहा तो आप क्या खाएंगे और क्या गुजारेगा कैसा होगा आपका आपको बढ़ने गए स्लोली स्लोली एक स्टेप बाय स्टेप आप एक माल से क्या आप एकदम ऊपर चढ़ जाओ क्या ऐसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते रहो इससे क्या होगा हर इंसान तरक्की करेगा तरक्की के लिए मना नहीं है लेकिन अपने आप के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है इतना जरूरी है जितना हेल्थ के ऊपर केयर करेंगे आपकी जिंदगी अच्छी होगी अपनी लाइफ अच्छी होगी अपने घर वाले अच्छे होंगे जिससे आपका रिश्ता होगा वो भी अच्छा रहेगा क्यों प्यार मोहब्बत भी जो है ना प्यार मोहब्बत से रहने से हर एक इंसान अच्छा खुश रह सकता और आगे तरक्की करेगा और आगे तरक्की तो पीछे पलट के नहीं देखने का क्या हुआ अरे आगे देखो ना आगे क्या है अपने को करने का है लाइफ में अपनी जिंदगी गुजारने का है अपने को शादी करने का है सारी चीज बाद में आएंगे लेकिन पहले क्या है अपने आप को रेस्ट ऑफ माइंड रहेगा तो आदमी पीसफुली काम करेगा जब काम करेगा तो आगे आपको मालिक आपको इनाम देते जाएगा बहुत ही अच्छी बात कहे सैयद साहब ने कि हर इंसान को ना सिर्फ ये छोटे बड़े पर्दे के एक्टर और एक्ट्रेस हर इंसान को मिनिमम छः से आठ घंटा रात को पीसफुल नींद लेना ही चाहिए सैयद साहब ये जो सुसाइड हो रहा है कम उम्र बच्चों का न्यू कॉमर का एक्टर एक्ट्रेस का छोटे बड़े पर्दे के तो आप क्या राय मशुरा देना चाहेंगे अदर यंगस्टर जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है? मैं तो यही राय दूंगा कि माँ बाप का भी काम है अपने बच्चों को देख रेख करना उनको पैंपड़ करना लाड़ करना प्यार करना ताकि बच्चे जो है बहके नहीं और पैसा आए उसके बाद में अगर बहके तो समझो बेवकूफ़ी है माँ बाप जो है ना उनके टेक केयर करने का खाने का पीने का सोने का हर चीज़ का उनको मॉनिटर करें ना कि तो ज़िंदगी में कभी नहीं होगा कभी इन लोग सुसाइड करेंगे नहीं जितना आप लोग लाड़ करेंगे प्यार करेंगे मोहब्बत से समझाएंगे बच्चों को क्या बच्चे बहुत छोटे दिमाग के रहते उनकी सेंस भी कम रहती है और दुनिया नहीं देखे रहती और ये माँ बाप जो है दुनिया काफ़ी देखे रहते और इनकी वजह से आप अगर अप बच्चों को समझाएंगे करेंगे तो क्या होगा एटमोस्फियर भी अच्छा रहेगा बच्चा भी चेयरफुल रहेगा और आपकी उसकी लाइफ अच्छी स्ट्रग अच्छी लाइफ चले जाएगी और फिर उसको कोई किसी का गम नहीं रहेगा माँ बाप का मेन रोल इसके अंदर है फिर बाद में जो जितने भी को एक्ट एक्टर्स है कैमरामैन है और जितने भी कलीग्स हैं जितने भी लोग हैं इन सब को मोहब्बत से पेश आना चाहिए मोहब्बत एक जैसी दलील है जो इंसान जो नहीं करने वाले मोहब्बत से काम उसको समझाएंगे तो वो करेगा गलती करता कौन गलती नहीं करता ये गलती को सुधारने के लिए मोहब्बत से जो बात करेगा उसकी बात को अप्रिसिएशन वैल्यू होगी और एक्टर भी जो है ना वो दिल पे ले नहीं यार मैं गलती किया हूँ इसको सही करने का सही करने का इसकी वजह से उसको क्या होगा काम अच्छे से करेगा काम अच्छे से करेगा तो कभी पीसफुली पीसफुली रहेगा और पीसफुली सोएगा पीसफुली हर काम उससे करेगा और अपने ईश्वर को याद करे अल्लाह को याद करे तो क्या होगा आदमी मेंटली क्या एकदम पीसफुल रहेगा और अपने काम को काम समझ के करे ये इसका काम है इसको करेगा तो आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा तो उससे तो काम हो जाएगा तो बहुत सही राय दी है सैयद साहब ने कि जो ये एक्टर और एक्ट्रेस है कम उम्र तो इनके पेरेंट्स को भी इनका फुल समर्थन मिलना चाहिए सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि कुछ उलझन भी हो जाए कुछ बेचैनी भी हो जाए कोई तकलीफ भी हो जाए तो इस तरीके का खतरनाक स्टेप्स नहीं उठाए सैयद साहब जो ये तुनिषा शर्मा ने अपनी जिंदगी का खात्मा करी 24 दिसंबर 2022 महज जीरो टू टू इक्कीस साल जिंदगी में तो इसने इतना बड़ा स्टेप उठाई और अपनी लाइफ का ही अंत कर दी तो आप क्या प्रेरणा देंगे क्या नसीहत देंगे यंगस्टर को ना सिर्फ छोटे बड़े पर्दे के एक्टर एक्ट्रेस आम बच्चों को कॉलेज स्कूल जाने वाले बच्चों को क्या प्रेरणा देंगे आप भाई मैं तो क्या है अपनी राय यही देता हूँ सारे बच्चे जितने भी यंगस्टर हो यानी लाइफ इज़ प्रेशियस बहुत जिंदगी अपनी बहुत बहुत अच्छी है जिंदगी अपनी, अपनी अपने को मालिक ने पैदा किया आग दिया हाथ दिया पैर दिया खूबसूरती दिया बाल दिया सारे चीज़ें ईश्वर ने दिया मालिक ने दिया आप समझो कि अपने को नेहमत है माँ बाप भी नहमत है माँ बाप की अगर छत्र छाया में रहे उनकी बात मानेंगे अपने फ्रेंड लोगों की बात मानेंगे तो अपना जो माइंड चला हो ना क्यों वाई यू वॉन्ट टू डू दैट सच सच स्टूपिड थिंग टू गेट सुइसाइड सुइसाइड में क्या होगा आत्मा इधर भी नहीं रहेंगे उधर भी परमात्मा के पास भी नहीं रहेंगे क्या फायदा होगा बीच में लटकती रहेगी अपनी लाइफ खराब करने क्या मतलब है अच्छी लाइफ होगी डिग्निटी रहेगी रिस्पेक्ट रहेगा और आदमी को तरक्की देगा कब देगा अब आदमी समझेगा मेंटली यू शुड गेट प्रिपेयर्ड इतना काम कर तो ठीक है कोई मना नहीं है लेकिन यूज योर टैलेंट यूज योर इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल यूज करेगा तो सबसे मोहब्बत से बात करे भाई मेरे को आज ये हो गया मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व योर प्रॉब्लम फ्रस्ट्रेशन को दिमाग से निकालो जब दिमाग से फ्रस्ट्रेशन निकालेगा पीसफुली काम करेगा अच्छा खाएगा अच्छा पिएगा अच्छा सोएगा माँ बाप की बात को मानेगा तो माँ बाप जो है सही गाइडेंस देने वाले है माँ बाप जो है नहीं चाहते अपने बच्चा को जैसा सुसाइड करे अरे माँ बाप को कितना दुख होता है यह सोचे आदमी माँ बाप जो है पैदा करते खिलाते पिलाते बड़ा करते सब कुछ माँ बाप करते हैं माँ तकलीफ तकलीफ जाती है बाप तकलीफ उठाता किसके लिए मेरा बच्चा तरक्की करे मेरा बच्ची होनहार बने मेरा बच्चा अच्छा बने भले एक्टर बने डॉक्टर बने क्वालिफाइड कोई भी बने लेकिन इसको माँ बाप चाहते मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो वे लेकिन बच्चा जो है सोसाइटी में रह के दो का पांच करने चक्कर में रहता अब करोड़पति है तो और, और बनना चाहता अरे भाई कोई लिमिट है ग्रीडीनेस छोड़ दो ये 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 जो ग्रीडीनेस है ना ऐसे ऐसे चलेंगे तो आपका पैसा भी सेफ रहेगा आपकी लाइफ भी सेफ रहेगी आपके घर वाले भी सुखी रहेंगे आप खुद सुखी रह जिस घर में आप जाओगे वो भी अप्रिसिएशन वैल्यू करेंगे कितनी अच्छी बच्ची है कितना अच्छा बच्चा है अपने को ऐसा काम करने का दुनिया में भी तरक्की करने का अरे पहले के एक्टर लोग भी किए थे लेकिन ऐसे सुइसाइड थोड़ी किए आज देखो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक्टर्स लोग क्या तकलीफ उठाए दुनिया भर की बात से दुनिया भर की तकलीफ उठाए दुनिया भर की लेकिन वो लोग कभी सुइसाइड नहीं किए आज यंगस्टर को ऐसा हो गया है भाई जल्दी करो जल्दी करो क्या जल्दी करो भाई लाइफ के तुम एक एक साल से तुम एकदम जल्दी तुम बड़े हो गए इक्कीस साल हो गए तुम्हारे नहीं गलत है ऐसे 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 करते रहेंगे तो आपके घर में भी सुखी आप भी खुश रहोगे सारे दुनिया में आपका नाम होगा कब होगा जब तो आपने आपको पेशेंट रखो माइंड को एकदम ठंडा रखो माइंड को ठंडा रखने से क्या होता है आदमी ज्यादा काम अब बेवकूफी करने में जल्दी करने में क्या माइंड जो है ना चलता नहीं है बेवकूफ़ी जैसे हरकत करते हैं जैसे ऑफ कर लिए गलत है एकदम गलत है करना ही नहीं चाहिए इसको ऐसा काम चाहे कोई भी हो आपने माइंड को ठंडा रखो सो खाओ पियो अच्छा माँ बाप की खिदमत करो माँ बाप से राय लो अपने फ्रेंड लोग से राय लो जो अच्छा राय देते तो अपना काम हो जाएगा इन हम उम्मीद करते कि सैयद साहब ने जो अपने एक्सपीरियंस से जो भी बात कहे वे को पसंद आएंगी और जो बच्चे जो भी जहनी उलझन में है तो ऐसा गलत स्टेप्स कतई नहीं उठाएंगे